जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एडू मेंशन पे। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूं मैं। ये वीडियो थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा व्हाट इट इज अबाउट। इट इज अबाउट द ई काउंसलिंग। पर ये ई काउंसलिंग है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब समझाता हूँ आपको। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले एक साल में मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे गुड न्यूज हमको सुनाए हैं सैनिक स्कूल को लेके। लास्ट ईयर फाइनेंशियल जो मीटिंग हुई थी लोकसभा में, वहां पर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे। तो अनाउंसमेंट बहुत बिग थी। 100 सैनिक स्कूल बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि अभी तक 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 ईयर्स में हमारे पास सिर्फ 33 सैनिक स्कूल्स हैं। तो 100 सैनिक स्कूल बनाना इज अ ह्यूज टास्क। तो बहुत अच्छा गुड न्यूज था। सेकेंड गुड न्यूज आया था जब मोदी जी ने बोला कि गर्ल्स भी अब से सैनिक स्कूल में पढ़ेंगी, हर एक सैनिक स्कूल में। तो ये दूसरा गुड न्यूज था। और तीसरा गुड न्यूज जो कि सबसे बड़ा गुड न्यूज है वो इस साल आया है, वो है कि अभी वो जो 100 सैनिक स्कूल्स हैं उनमें से 21 सैनिक स्कूल्स को इसी साल ओपन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो समझिए यहां पर ये ई काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और ये कंडीशन क्या हुई है। देखिए, एक सैनिक स्कूल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, बहुत सारा जमीन लगता है, और उसको क्लियर करने में कहाँ पर लोकेशन होगा, इकोसिस्टम कैसे बिल्डअप करना है, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसीलिए पिछले 75 इयर्स में हमारे पास सिर्फ 33 सैनिक स्कूल्स हैं। यानी कि इवन गवर्नमेंट पूरा दम भी लगा देती ना सैनिक स्कूल बनाने के 100, तो भी कम से कम 20-25 ईयर्स लग जाते। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने क्या बोला कि यार हम नए सैनिक स्कूल बनाएंगे तो अभी जो प्रेजेंटली जो बच्चे हैं उनसे तो मिस हो जाएगा, उनको तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं मिला। बाद वालों के लिए अच्छा है, बट अभी जिनकी मिस हो रहे हैं उनका क्या। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट में या फिर एनजीओ के जो स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो सक्सेसफुल हैं, पूरे स्टेट में जिनकी टॉप रैंकिंग आती है, उन स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन करा देते हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी का। उससे क्या होगा कि बिल्डिंग बनी बनाई है, टीचर्स अवेलेबल हैं, सारा इकोसिस्टम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बस सैनिक स्कूल सोसाइटी का काम ये रहेगा कि इनको फंडिंग दे, पैसे दे, और इनको सिखाए कि सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग कैसी होती है। प्लस वहां के प्रिंसिपल, हेडमास्टर वगैरह, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी अपने डिफेंस से यानी कि ऑफिसर्स वगैरह को भेजे ताकि बच्चों की ट्रेनिंग हो जाए। तो उन्होंने क्या किया है, इस साल वो जो 100 स्कूल्स बनाने का सपना है उसमें से 21 को चूज किया। 20 उसमें से स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी में है। उसकी लिस्ट का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और मैं आपको भी वेबसाइट भी बता दूंगा कि जैसे यहाँ पर ये देखो वेबसाइट दिया है ना, www.sainikschool.ncog.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जो मैं वीडियो में आपको समझा रहा हूं। तो अगर आपको रीडिंग करने का शौक है, आपको अंग्रेजी समझ आती है, तो आप वेबसाइट से रीकन्फर्म कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूं। अदरवाइज आपको मैं हिंदी में एक आसान भाषा में यहां पर वीडियो में सारे के सारे डेटा उपलब्ध करा दूंगा अगले 2-3 दिन में। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनके साथ कोलैब करते हैं और एक नया सैनिक स्कूल का इकोसिस्टम शुरू करते हैं। अब ये जो 21 सैनिक स्कूल्स हैं, ये इसमें एडमिशन कैसे होगा। देखो, गवर्नमेंट ने ना पहले से बता नहीं रखा था, ये अचानक से उन्होंने प्लानिंग किया, ठीक है। इस साल तो हुआ क्या था कि जिन्होंने भी 9 जनवरी 2022 को सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम यानी कि AISSEE 2022 दिया था, उन बच्चों को ये पॉसिबिलिटी दी जा रही है इस बार कि अगर उनका क्वालिफिकेशन अगर सैनिक स्कूल में हुआ है, यानी कि उनके एंट्रेंस एग्जाम में जो रिजल्ट आया उसमें अगर यू आर क्वालिफाइड लिखा हुआ है और उनको सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उनकी रैंक नीचे थी, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा गुड न्यूज है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जिनको सीट मिल गए 33 सैनिक स्कूल्स में, उनके अलावा जो बच गए हैं वो बच्चे ई काउंसलिंग में भर सकते हैं उन 21 सैनिक स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए जो अभी इस साल से ओपन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। इसके रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है, 2 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट आपको दिख सकता है यहाँ पर 7 अप्रैल है। लास्ट डेट कब है, 7 अप्रैल। तो यहाँ पर से मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा डेटा इसके बारे में कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सैनिक स्कूल है वो प्राइवेट या गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्पेशल नहीं उन्होंने डिसाइड किया है। उन्होंने बोला जो भी अच्छा हो, प्राइवेट स्कूल अच्छा है उससे कोलैब कर लेंगे, गवर्नमेंट स्कूल अच्छा उससे कोलैबोरेशन कर लेंगे, या फिर एनजीओ अच्छा है तो उससे कोलैबोरेशन कर लेंगे। एनजीओ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये, और ये लोग अपना लाइक ऐसा समझ लीजिए कि टीम बनाते हैं, समाज सेवा वाला काम करते हैं, ठीक है, एनजीओ वाले। तो उन्होंने भी बहुत सारे स्कूल्स खोल रखे हैं लोगों के लिए। तो आई थिंक कि
ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, कि सैनिक स्कूल्स, 100 सैनिक स्कूल्स खोलने में वो जो इतना टाइम लग जाता, उससे बेटर हम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ही सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक डिफरेंस है जो मैं आपको जाने से पहले बताना चाहूंगा, जो नॉर्मल स्कूल्स में, नॉर्मल जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं उनसे हट के होगा इन नए सैनिक स्कूल्स में। तो इनमें आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं जो मैंने लिख रखा है कि स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट द स्कूल एज सुटेबल टू देयर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, डे स्कूल, रेसिडेंशियल, डे कम बोर्डिंग और गर्ल्स स्कूल और बॉयज ओनली, कोएड स्कूल, इस तरीके से। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि अगर आप सैनिक स्कूल में, अगर आप इन 21 सैनिक स्कूल्स में जाते हैं, तो इन 21 सैनिक स्कूल्स को सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एक परमिशन दिया है कि आप स्कूल वाले अपनी इच्छा से अपना एक इको सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि क्या ये स्कूल हॉस्टल वाइज रहेगा, क्या ये डे स्कॉलर रहेगा, क्या ओनली बॉयज या ओनली गर्ल्स रहेगा, या फिर को एड रहेगा। को एड का मतलब होता है एक साथ लड़का लड़की पढ़ते हैं। ये सारा डिसीजन स्कूल वाले, जो अभी प्रेजेंटली नॉर्मल स्कूल हैं, जो सैनिक स्कूल में तब्दील हो रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को एक नया ऑप्शन मिल रहा है जो 33 सैनिक स्कूल में नहीं मिलता है। 33 सैनिक स्कूल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पर कंपल्सरी है आपको हॉस्टल में रहना, यहां पर नहीं है जरूरी। यहां पर स्कूल स्कूल पर डिपेंडेंट है, स्कूल वालों की इच्छा होगी तो वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करके ऑप्शन दे देंगे कि आप हॉस्टल में रह के पढ़ो या घर से आओ। देखो, हो सकता है कि आगे चल के 5-10 साल बाद या 2-4 साल बाद ही इन सैनिक स्कूल्स को भी स्ट्रिक्ट कर दें, जैसे 33 सैनिक स्कूल है स्ट्रिक्ट। लेकिन क्योंकि अभी ये एक इनिशिएशन है, ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में काम चलाऊ कर दे रहे हैं कि भैया काम चल जाए बस। अब देखो, कई ऐसे स्कूल्स होंगे ना जिनके पास हॉस्टल इतने सारे अवेलेबल नहीं होंगे, पर वो अच्छे बड़े स्कूल हैं, तो उनके साथ कोलैब किया है, तो उनके पास हॉस्टल अगर नहीं है तो वो क्या बोलेंगे कि आप डे स्कॉलर बन जाओ, कि आप सैनिक स्कूल में ही पढ़ रहे हो बट आप यहाँ पर नहीं रहोगे, आप घर पे रहोगे और घर से यहाँ आ जाना। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपको एडमिशन के टाइम पे पता चलेंगी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में वेबसाइट पे नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है पर्टिकुलर स्कूल्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में कि क्या क्या हो सकता है। आपको बस क्या करना है, ई काउंसलिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको वेबसाइट दिखाई दिया था, www.sainikschool.ncog.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे आपको ई काउंसलिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से रजिस्टर करना है। बाकी जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बट तब तक के लिए आप लोगों को खुश होना चाहिए और उम्मीद रखिए कि हो सकता है कि मिस होते होते शायद अब सैनिक स्कूल में बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। और गुड न्यूज ये भी है कि मैं बहुत खुश हूँ गवर्नमेंट की इस न्यूज से, क्योंकि लास्ट ईयर यानी कि 2022 के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी हमने लगभग 250 से ऊपर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया था और उसमें से 50% से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। अब क्योंकि ई काउंसलिंग शुरू हो गया है, तो चांसेस है कि 60-70% तक का हमारा स्कोर रेट जा सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं सौरभ सर की तरफ से भी गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहूंगा, आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोग का भी सपोर्ट बना रहता है। तो अभी नेक्स्ट सेशन के लिए फौजी बैच लॉन्च हो चुका है, नेक्स्ट सेशन के लिए फौजी बैच लॉन्च हो चुका है 2023 के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लिंक जो है वो ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर एज अ स्टूडेंट लॉग इन करिएगा, एज अ पेरेंट लॉग इन मत करिएगा, बहुत दिक्कत हो जाता है थोड़ा, क्योंकि उसमें डेटा अलग दिखाता है। एज अ स्टूडेंट लॉग इन करना है आपको, और स्टूडेंट लॉग इन करने के बाद आपको फौजी बैच का जो ऑप्शन मिलेगा वहां पर जाएं, इस फौजी बैच को इनरोल करें, इसे परचेज करें, बहुत सस्ता है ये और अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो मैं चाहता, अच्छा इसमें गुड न्यूज बता देता हूँ इसमें, कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है फौजी बैच की। अभी पिछले संडे लाइव क्लासेस हुआ था, हर संडे लाइव क्लासेस होगा। इस साल का होम, इस हफ्ते का होमवर्क मैंने बच्चों को ऑलरेडी दे रखा है, सौरभ सर ने भी दे रखा है। तो अगर आपका बच्चा पीछे ना हो जाए फौजी बैच में, तो अगर इनरोल करने का आपकी प्लानिंग है तो आप जल्दी से इनरोल करा दें ताकि सिलेबस मत छूट जाए। हालांकि हम लोग फिर से 3-4 महीने बाद से फिर से रिपीट करेंगे सिलेबस, बट ऐसा मिस मत हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता। तो आप फौजी बैच को आप जाएं वहां पर इनरोल करें और हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन को लेकर जितना भी डिटेल्स है, जितना भी न्यूज है, वो सारा मैं हमेशा अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। टाटा बाय।